अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ ज़रूरी क्यों है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बिल्कुल एंड में कि नवाज शरीफ ही क्यों, क्या नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, या क्या मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ इतना ज़रूरी हो गया है पाकिस्तान के हर शोबे के लिए। ये बिल्कुल हम आपको इस वीडियो के हिस्से के एंड में बताएंगे। अभी जो हमने बात करनी है वो करनी है हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम पिछले 21 साल से वो जो कर रहे थे कैपिटल टॉक, जियो के स्टार्ट होने से लेकर आज तक वो बंद कर दिया गया है। अभी तक सवालिया निशान है कि वो बंद किया क्या है। अब डेफिनेट आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसने बंद किया, लेकिन ये एक अभी तक सवाल हल नहीं हो रहा सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो जो अदारा है जिन्होंने वो प्रोग्राम बंद किया, उनकी भी कोई वाजिया पॉलिसी सामने नहीं आई। दोस्तों, क्या ये हामिद मीर का प्रोग्राम बंद किया गया है? मेरा ख्याल है नहीं, ये हामिद मीर का प्रोग्राम नहीं बंद किया गया, ये आवाज दबाने की कोशिश की गई है। हामिद मीर साहब जो है ना, वो मिसिंग पर्सन वाले केस में हो, किसी और दूसरे केस में, वो काफी ज्यादा चुपते हैं। अब जिनको वो चुपते हैं, आप वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आज हामिद मीर साहब के साथ उनकी बरादरी, खास तौर पर जो सहाफी बरादरी है, वो खड़ी नहीं होगी ना, तो मेरे ख्याल में तलत के बाद हामद, हामद के बाद नुसरत जवेद, नुसरत जवेद के बाद डॉक्टर दानिश, ये वो लोग हैं जिनके बगैर नवाज शरीफ साहब के दौर में मीडिया चलता नहीं था। और ये ऐसा लताड़ते थे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, पॉलिसियों को, हर चीज को, कि वो अनबिलीवेबल है। मैं बता नहीं सकता वो कितना लताड़ते थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो चलता रहा। लेकिन अभी बर्दाश्त ना करने की ये जो एक रवायत है ना पाकिस्तान में, वो उसका जवाब तो मेरे ख्याल में कोई दे सकता ही नहीं है। इसमें हो सकता है कोई शक भी नहीं है, हामिद मीर साहब को इमरान खान ने फोन किया, यार हामिद देखो मैं तुम्हारा प्रोग्राम क्यों बंद करूंगा, यू आर माई बेस्ट बडी। पता आपको याद होगा, वो कहा करता था कि हामिद मीर मेरा फेवरेट एंकर है, था और रहेगा। हो सकता है वो उनका भी फेवरेट हो, क्योंकि वो उन्हीं को सख्त टाइम दे रहा है हामिद मीर, जिनका इमरान खान के साथ आजकल टांका भिड़ा हुआ है। लाने वाले भी वही है, लेकिन टांका भी भिड़ा हुआ है। लेकिन मकसद क्या है कि मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि सहाफी बरादरी अगर आज हामिद मीर के साथ खड़ी नहीं होगी, तो वो जुल्म अपने साथ करेगी। हामिद मीर एक किताब लिखे, करोड़ों रुपए में बेचेगा, हामिद मीर किसी दूसरे चैनल पे चला जाएगा, पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, उसको इंग्लिश चैनल लेने वाले हैं, उसको बहुत ज्यादा उसको मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाखों करोड़ों कमाएगा। लेकिन भूखे नंगे पता है कौन मरेंगे, जो आज तलवे चाट रहे हैं, जो आज पैरों में बैठे हुए हैं, जो आज जी हजूरी कर रहे हैं, जो आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो आता है अंधाधुंध पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि ये किसी के नहीं होते। अगर आज हामिद मीर के साथ ये हो सकता है ना, तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है। तो हामिद मीर साहब जो है इसमें, हामिद मीर साहब, मैं जैसे कह रहा हूँ कि हामिद मीर साहब तो शायद भूखे ना मरे, भूखे वो मरेंगे जो आज तलवे चाट रहे हैं, नौकरियां उनकी खतरे में पड़ेंगी जब वो ऐसा नहीं कुछ करेंगे, और नुकसान भी होगा। हामिद मीर को तो दुनिया भर जानती है, करती है। सिर्फ दो एंकर्स को मैंने सुना है जो इस मामले में बोले हैं, बाकी भी शायद कोई एक आध बोला हो, लेकिन 100 से ज्यादा चैनल है। अब 100 से ज्यादा चैनल है तो एंकर कितने होंगे, खबरें कितनी होंगी। इवन हामिद मीर साहब का अपना प्रोग्राम कैपिटल टॉक, जो कि उनके दूसरे एक साथी होस्ट कर रहे थे, उसमें आवाज तक नहीं उठाएगी। जियो न्यूज के मकबूल प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में, जिसमें बड़े बड़े सहाफी बैठे होते हैं, बड़े बड़े नाम वाले बैठे होते हैं, जो कभी वेटर थे आजकल वो पाकिस्तान की सहाफत के टॉप के सितारे हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। होस्ट ने सवाल तक नहीं किया गया, ना मैंने कोई हसन निसार साहब का ट्वीट देखा है, ना मैंने किसी का देखा है। तो जब अपने आपके, अपने चैनल के, अपने कुलीग आपके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे, अपना मालिक आपके, जिसके लिए आपने 21 साल से खिदमत सर अंजाम दी है, वो आवाज नहीं उठाएगा, दूसरे टीवी चैनल वाले लोग आपकी आवाज उठाएंगे, 25-30 लोग आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे आपके दफ्तर के सामने, हम हामिद मीर के साथ हैं, कौन जानता है 25-30 लोगों को क्या आवाज है 25-30 लोगों की। नहीं, चाहिए तो ये था कि कल 8 बजे जितने शो लगते हैं कैपिटल टॉक के साथ, हर टीवी पे बाइकआउट कर देते, कोई एंकर प्रोग्राम ना करता। मैं देखता कैसे आधे घंटे के बाद हामिद मीर साहब का प्रोग्राम लाइव ना जाता। ठीक है, मैं जैसा कि कह रहा हूं कि आपको सब तो नहीं, लेकिन कुछ जो होस्ट सिर्फ दो मैंने सुने हैं, तो उनकी मैं जरा गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। थोड़ा क्लिप लेंथी है, बट सुनाऊंगा जरूर। लेकिन इस प्रोग्राम के, इस क्लिप के एंड पे, इस वीलॉग के एंड पे, जो मैंने आपको बताना है कि नवाज शरीफ क्यों जरूरी है, वो मत सुनना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। वहाँ आज़ादी इजहार मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंटली और एक न्यूट्रल मैनर में प्रोफेशनली, ये किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ के आप आज़ादी सहाफत के लंबरदार नहीं हो सकते, लेकिन
ईमान का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह आप अपने ईमान को नहीं चाहते कि कोई भी हालत ऐसी आए, मौत तक मरने तक दुआ यही होती है कि अल्लाह पाक ईमान की हालत में हमें इस दुनिया से लेके जाना, यही सारे मुसलमान दुआ करते हैं। तो इस जर्नलिज्म में, इस प्रोफेशन के अंदर रहने के लिए रिपोर्ट करते हुए एक दुआ जो रोजाना मांगनी चाहिए, प्रोग्राम करते हुए भी मैं मांगता हूँ, लेकिन ये खबर लिखते हुए भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस कलम से जो लिखवा रहा है या इस जुबान से जो बुलवा रहा है वो सच्चाई के साथ अलावा कुछ ना जाए, जो बोले सच बोले, सच के अलावा कुछ ना बोले, और यही शायद वो एक हल्फ होगा, ये उस फेथ हमारे का हिस्सा होगा जो शायद हमारी बख्शिश का सबब भी बन जाए आखिरत में। लेकिन ये सारे जर्नलिस्टों को इस मैसेज का आलम बरदार रहना चाहिए। आजकल जर्नलिस्टों को जब मार पड़ती है तो साथ गद्दारी के सर्टिफिकेट आ जाते हैं, और कोई बताता है कि इसने लड़की को छेड़ा था इसलिए मार पड़ी है। चार पांच लोगों को जिनको मारा गया उन सारों के एपिसोड इसी तरह है। फिर पता चलता है कि इसके खानदान के फलाने शख्स के मुल्क दुश्मन नासिर के साथ इसकी सरगर्मियां थी। ये चीज़ें बहुत ही अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के दिफा और दिफा से जुड़े इदारे, उनकी मजबूती, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का मुफाद। मजबूत फौज, मजबूत ISI, मजबूत MI और मजबूत पार्लियामेंट जो इनकी ओवरसाइट करे, इन सारों को रिपोर्ट करना मेरा फ़र्ज़ है, और इसकी मजबूती भी उतनी ही ज़रूरी है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक जज के लिए बैठ के इंसाफ करना ज़रूरी है, मेरा अगर ये माइक मेरे सामने और ये चैनल अल्लाह ताला ने मुझे इस कुर्सी पे बैठाया तो मेरे लिए इस चीज़ को रिपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये पाकिस्तान को मजबूत करेगा, तवाना करेगा और पाकिस्तान के लोगों का तहफ़ुज़ करेगा। किसी को गोली मार के, डरा के, धमका के, उसकी बीवी या बच्चों के लिए कुछ करके या कह के हम पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर सकते। खौफ की फिजा में पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। तो ये एक रोल है अल्लाह ताला ने हर एक इदारे के लिए, हर एक शख्स के लिए मुकर्रर किया है। जर्नलिज्म से जुड़े हुए हर शख्स का रोल जो है वो आज़ादी इजहार है, सच के साथ रिपोर्ट करना है खबर को। ये एक जो हमारे जिम्मे अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी लगाई है, उसका एक अहम फर्ज यह है। बिल्कुल ठीक है जी। आपने देखा जी, ये एक तमाना आवाज थी जो कल सोशल मीडिया पर जाहिर गूंजती रही है हामिद मीर साहब के हक में, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किसी एक अदारे या किसी एक शख्स का नहीं, ये पूरी सहाफत का है, और अल्लाह ताला की जात ने जो आपको ताकत दी है, जो आपको कलम दिया, जो माइक दिया, उसका भी हक अदा करना। और कहते हैं कि वो ये इसी किस्म की फिल्में चलती हैं कि जब भी किसी को उठाया जाता है या किसी को मारा जाता है तो कहता है कि लड़की के भाइयों ने उठाया है, लड़की के भाइयों ने मारा, और साथ ही एक पेपर दिया जाता है, एक जिसे कहते हैं कि तमगा दिया जाता है, वो गद्दारी का कहा जाता है कि ये गद्दार हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि एंड ऑफ डे पे इस बंदे की फैमिली का कोई शख्स किसी पाकिस्तान मुहालफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। इस किस्म की ड्राई चलाता है, लेकिन इसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। गोलियां मारने से, गोलियां लगने से, शुमाली इलाका जात में ले जाने से ये सफर रुकने वाला नहीं है। रोक सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान इंतहाई गैर महफूज है सहाफियों के लिए। जो भी सच बोलता है, जो भी आवाज उठाता है, या तो वो भाग जाता है, या वो यूट्यूब पर, या वो चुप कर जाता है, या वो हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आवाज उठाने वाले बहुत कम है। जिस बरादरी पे ये जरब लगी है, जिस बरादरी को टफ टाइम दिया जा रहा है, वो बोल ही नहीं रही। एक आवाज और कल उठी, वो भी मैं चाहूंगा कि आपको सुनाऊं, वो भी जरा सुनिए। दायरों में हम सफर कर रहे हैं, शायद पूरी कौम दायरों के अंदर सफर कर रही है, और 70 सालों से कर रही है। आज आपने देखा होगा सारा दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद गुफ्तगू है, वो जनाब हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम पे पाबंदी लगी है या उनके प्रोग्राम को ऑफ एयर कर दिया गया है। इस सिलसिले में जियो इंतजामिया से हम बार बार पूछ भी रहे हैं कि वजूहात क्या हैं, लेकिन वजूहात इंतजामिया की तरफ से नहीं बताई गई। अब तक की पाकिस्तान की जाहिर है कि सबसे बड़ी खबर है। दूसरी जानब कहा यह जा रहा है कि उनको ऑफ एयर किया गया है, जो कि खुद उन्होंने बताया भी है BBC को कि उनकी जो तकरीर थी जुम्मे के रोज असद अली तूर के ऊपर, जो हमारे अपने सहाफी हैं, यंग सहाफी हैं, उन पर जो हमला हुआ था, उस तकरीर की वजह से उनको कहा गया कि आप माजरत करें और इस माजरत के बाद जो है वो आपको आपके प्रोग्राम को चलने दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात से इनकार किया। अब जो भी हालात और वाकयात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मीडिया की सूरत हाल है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और गुज़िश्ता 3 सालों में जो एक तरह से सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान के अंदर मीडिया की, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। एक हाइब्रिड रिजीम के तौर पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, उसको मुतारिफ किया जाता है, जो पाबंदियां लगाई जाती हैं वो भी अलग अपनी जगह पे आए दिन जेर बहस रहती हैं, मगर इस तरह की पाबंदी लगाना, इसका मकसद क्या? उसी दौर में जबकि आप एक जो मीडिया अथॉरिटी है, नई मीडिया,
अमन मीर साहब से ये कहा गया कि आप अपनी जो तकरीर है जो आपने प्रोटेस्ट में की असद तूर साहब के खिलाफ वो वापस ले लें, उस पर माजरत कर लें तो आपका नौकरी या आपका प्रोग्राम बहाल कर देगा, जिससे उन्होंने इनकार किया। डेफिनेट एक सहाफी के लिए जब वो कुछ कहता है तो ट्रेंडिंग बात करता है, उसके लिए माजरत करना, और वो भी उस बात पे जो उसने बड़ी धड़ल्ले से की, वो काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में जाके कुछ ना कुछ मामला तो देंगे। लेकिन हमद मीर के तो मामला सेट हो जाएंगे, नुसरत जावेद साहब के, डॉक्टर दानिश साहब के, नजम सेठी साहब के, इफ्तिहार अहमद साहब से, और बहुत सारे एंकर हैं जो तल्लत साहब जैसे, क्या ये सबके मामला फिट हो जाएंगे? क्योंकि मामला सब ठीक हो जाएंगे नहीं, खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज अपने लिए आप खड़े नहीं होंगे ना, तो कौन आपके लिए खड़ा होगा? आप सोचते हैं कि पीडीएम आपके लिए जलसे जुलूस निकालेगी? भाई क्यों, जब आपके अपने आपका साथ नहीं दे रहे, जब बारी बारी करके देखो डिवाइड एंड रूल, देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये फिफ्थ वार जनरेशन जो है, सहाफियों के अंदर एक ऐसा सहाफियों का ग्रुप बना दिया गया जो सहाफी है ही नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं, उनको सहाफियों के रूप में आपकी सफों में शामिल कर दिया गया है। वो शाम को बैठते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो कुछ सस्ता चैनल हो, और बैठ के वहां पे वो एक खास किस्म का नजरिया है जो वो बांटने शुरू कर देते हैं, जो उनको लाइनें आती हैं, और जिस दिन उनको गवर्नमेंट के हक में आए वो गवर्नमेंट की जो जीडीपी है वो 5 पॉइंट पे बचा देते हैं, और जिसको मुहालिफ आया वो कहते हैं कि इमरान खान ने तबाह कर दिया है। तो ये लोग इस्तेमाल होने वाले लोग हैं, मुसलसल हो रहे हैं। मैंने आपसे वादा ये किया था कि प्रोग्राम के एंड में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ जरूरी क्यों है। मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इस वक्त खासतौर पर नवाज शरीफ है, तजर्बा भी है उनका, जानती है दुनिया उनको, हैंडल करना आता है, बर्दाश्त करना आता है, सब्र का पहाड़ है नवाज शरीफ। छोटा सा क्लिप 30 सेकंड का, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ क्यों जरूरी है। मैंने आज तक मैं जात की बात करने लगा, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता। मेरे पे नाम डायरेक्टली देखिए, 5 साल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हमने पैनामा किया, बहुत सारा कुछ किया, जो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। किसी ने डायरेक्टली मुझे आज तक फोन करके नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फोन आया, कभी मुझे फोन करके मैं जात की बात करने लगा okay. ये चैनल नून लीग के दौर में भी कभी फोन नहीं आया, ये बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नून लीग के दौर में कभी फोन नहीं आया। पनामा पाकिस्तान की तारीख का सबसे झूठा केस है, इससे बड़ा झूठा केस पाकिस्तान की तारीख में नहीं है, जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं, साकदार साहब का नाम नहीं, लेकिन उनको इबरत का निशान बना दिया, चलता हुआ मुल्क रोक दिया, और उसमें ये लोग खुद अपने मुंह से इतराफ कर रहे हैं, काशिफ अब्बासी साहब साथ में, हामिद मीर साहब बैठे हुए हैं दरमियान में, ये जो बदामी साहब बैठे हुए हैं वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने पनामा पर इतना प्रोग्राम किया है, इतना तकलीफ दी है नून लीग को, लेकिन नून लीग का कभी एक आज तक फोन नहीं आया। नून लीग के दौर में प्रोग्राम बंद नहीं हुए, हमें थ्रेट नहीं किया गया, हमें मारा पीटा नहीं गया, हमें ये चीजें नहीं किया गया। होती होंगी, हो भी जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट एक शख्स थोड़ी चला रहा होता है, गवर्नमेंट तो पता नहीं कौन कौन चला रहा होता है, समटाइम पता नहीं, पता भी नहीं होता कौन कहां से कर गया। जैसे वो डार साहब कहते हैं चीनी की कीमत बढ़ गई और हमें पता ही नहीं, तो हमने कुछ घंटों में वापस लाई और जिन्होंने बढ़ाई उनको इस बात की सजा भी दी। इसलिए नवाज शरीफ जरूरी है, बर्दाश्त का मादा है, वो बर्दाश्त करता है, वो बड़े से बड़े, मैं हसन सार साहब का भी एक क्लिप यहाँ पे चला सकता हूँ, लेकिन खैर वो लंबा हो जाएगा अभी, लोग वो भी यही कहते हैं कि क्या नहीं किया मैंने, लेकिन क्या जर्फ है इन दोनों भाइयों का, कभी आज तक एक लफ्ज नहीं कहा, जब मिले हैं तब भी हंस के मिले हैं, पाक से मिले हैं, कभी ये नहीं कहा कि आप लोग हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं। अब हसन सार से ज्यादा जहर शरीफ फैमिली के खिलाफ कौन उगलता है? सहाफियों बाहर निकलो, अगर आज आप अपने लिए नहीं निकलोगे, हामिद मीर को नौकरी का, खाने का, पीने का, उसकी फैमिली के रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सहाफी है, लाखों करोड़ों उसने कमा लिए हैं, लाखों करोड़ों कमा भी लेगा, प्रॉब्लम आपका होगा, कैमरामैन का होगा, लिखने वाले का होगा, लाइट चलाने वाले का होगा, दरवाजा खोलने वाले का होगा, छोटे मोटे जो एंकर है उनका होगा, व्लॉगर्स का होगा, अमन मीर का कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान की सहाफत का नुकसान होगा, पाकिस्तान की सहाफत की आजादी का नुकसान होगा। अगर आज आप खड़े नहीं होंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जब वो लंदन से आए थे कि मीडिया अगर आज मेरे साथ खड़ा हो जाएगा तो इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा और पाकिस्तान में जमहूरियत सही आएगी, तब मीडिया साथ नहीं खड़ा हुआ था, अगर मीडिया साथ वहां खड़ा हो जाता तो आज हालात कुछ थोड़े से डिफरेंट होते। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, इतना ज्यादा वक्त देने का, सुनने का, अपनी कीमती जो राय है उसको कमेंट्स करके जरूर हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात हो अगले वीलॉग में।